मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब एक अंडरलाइनिंग फैक्टर है मुकेश जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ये मैं चाहता हूं डिबेट लोग दो दिन के बाद भी देखें, यूट्यूब पर देखें, हमारी वेबसाइट पर देखें। इसीलिए मैं आपसे एक मैक्रो लेवल पर सवाल पूछ रहा हूं। अभी प्रोफेसर जेएनयू से जो है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि व्हीकुलर पॉल्यूशन जो होता है वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। और हमारे पास ऊपर जो आंकड़ा है, मैं चाहूंगा गाड़ियां वो दिखा रहे हैं हम, जो 25 से 35% ऊपर हम दिखा रहे हैं बार बार, किस तरीके से 35 से 36% गाड़ियां जिम्मेदार होती हैं। और एक बहुत बड़ा वो फैक्टर है, धूल भी है। मुझे याद है शीला दीक्षित जी ने 2015 में एक इंटरव्यू दिया था एक बहुत बड़े अखबार को, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हम व्हीकुलर पॉल्यूशन इसलिए नहीं कंट्रोल कर पाए क्योंकि देर वर लॉबीज, और वो लॉबीज हमारे अगेंस्ट में चली जाती थी। मतलब हर सरकार के कहीं ना कहीं हाथ रुक जाते हैं। योर टेक, कैसे कंट्रोल होगा ये? देखिए, मैंने कहा है कि जो व्हीकल पॉल्यूशन है वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। पराली तो इसमें एक एडिशन कर दिया गया है। और मैं एक बात आपको निशांत जी क्षमा करना, जो दिल्ली में बार बार कहा जा रहा है, पूसा से मिलकर जो प्रयास किए गए हैं दिल्ली के अंदर, जनाबे आली, खेती की जमीन बची कहाँ है अब? दिल्ली तो कंक्रीट का शहर बन चुका है। दिल्ली में तो कुछ, मैंने बोला ग्रीन कवर नाम की चीज तो दिल्ली में खत्म हो गई है लगभग। और ये एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली के ऊपर जो आज बहुत पड़ा हुआ है। जहां तक व्हीकल पॉल्यूशन का सवाल है, शीला जी ने जो कहा था वो, आज दिल्ली में मैंने कहा जिस तेजी से दिल्ली की आबादी बढ़ी है, जिस तेजी से दिल्ली कंक्रीट का शहर बना है, हर आदमी के पास गाड़ी है। और हमने CNG कवर को सख्ती से लागू किया था। आज जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उनकी कीमतें कहां पर हैं? क्या वो छोटी गाड़ियां मार्केट में आई हैं नहीं आई हैं? ये ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट कौन लाया था साहब? ऑटो रिक्शा चलते थे पेट्रोल से, आपको ध्यान होगा दिल्ली में, और धुआं निकालते थे पीछे। अगर मैं और आप चल रहे हैं तो हमारा मुंह काला हो जाया करता था। दिल्ली की रेड लाइट पे खड़े हो तो रात को शाम को कपड़े काले होके आते थे। ये दिल्ली की जो हालत सुधारी है 15 साल जो कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही, हमी ने तो ठीक की है। और उसकी वजह हमने समय समय पर प्रयास किए, ग्रीन कवर को बढ़ाया, हम लोग पेड़ लगाते थे। लेकिन आज दिल्ली के अंदर सिवाय एडवर्टीजमेंट दिखाए जाने के, उस पर प्रचार के अलावा ग्राउंड पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम नहीं हो रहा है। एक बात मैं और कह दूं निशांत जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दिल्ली में इंडस्ट्री सील हुई थी, हमने इंडस्ट्रियल एरिया बनाए थे, उनमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे। दिल्ली की सरकार से, केंद्र की सरकार से पूछा जाना चाहिए वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगे हैं। वो आज तक नहीं लगे हैं, आज तक वहां पर व्यवस्था नहीं हो पाई है। पता नहीं मुकेश जी, मुझे वहां पर आप जाकर देखें, शायद आपने, मुकेश जी मैं चारू जी के पास आ रहा हूं, आपने अच्छे वैलिड सवाल लिए, लेकिन मैं आपसे जो भी सवाल पूछता हूं वो सवाल से निकल जाते हैं। पराली आप निकल गए, मैंने आपसे व्हीकुलर पॉल्यूशन पूछा आप निकल गए, और आप पता नहीं क्यों गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन नहीं पढ़ रहे हैं जो पॉल्यूशन पे कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप, मैं उसके फैक्ट्स आपको दिखा सकता हूं, लेकिन क्या आप गूगल कर लीजिएगा। बहरहाल मेरे सवालों का आपने जवाब नहीं दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।